फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम यूपी जीटी पीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा, तो अब आप लोग को इंतज़ार खत्म हो गया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी टी जीटी का रिजल्ट अब आने का समय हो गया है, और अब आप लोगों को खुशखबरी यह देखने को मिल रही है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, उससे पहले कि सब, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ आप लोगों को रिज़ल्ट कैसे करना है डाउनलोड। फ्रेंड्स, ये देखिए, आप लोग जब UPSESSB की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जैसे ही रिज़ल्ट जो है जारी होगा। और आपको बता दूँ कि रिज़ल्ट आप लोगों का जारी होने वाला है UPPGT में, 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगा। और UPTGT का रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 अक्टूबर के करीब, यानी कि अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और आप लोगों को पता है कि आज 5 ऑलरेडी हो गई है, और आपको 2 से 3 दिनों में ही, और जैसा कि आपको बताते, पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि UPPGT का रिज़ल्ट आएगा और TGT का रिज़ल्ट बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब आपको बता दें कि TGT के रिज़ल्ट में अब कोई टाइम नहीं लगेगा ऐसा खास। और आपको पता है 31 अक्टूबर से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है, इस वजह से अब रिज़ल्ट आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार जो है काफ़ी स्टूडेंट्स खुश थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कम नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग को परेशान होने की ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन दिक्कत यह भी है कि वैकेंसीज़ उस हिसाब से सीट्स कम हैं और आवेदक ज़्यादा थे, तो आप लोगों को परेशान, क्योंकि अभी आपको जो TGT PGT 27,000 नई भर्ती वैकेंसी आने वाली है, तो उसका विज्ञापन आप लोगों को नवंबर के सप्ताह में, पहले या दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगा। तो यानी कि अब लगातार भर्तियाँ निकलेंगी, और आप लोगों को करना क्या है कि अप्लाई करते रहिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। आपको करना क्या है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच। और मैं आपको और बता दूँ महत्वपूर्ण जानकारी कि आप लोग को जो है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को साक्षात्कार के लिए समय ज़्यादा नहीं मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, इसलिए अभी से अपने आप को इस तरह से मैनेज करिए कि आप 5 मिनट में किस तरह से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ के प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे कि आपको पता होगा कि छात्रों की तादाद ज़्यादा होगी, एक दिन में कई छात्रों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इस वजह से आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो मे बी आपको वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना लगे। इसलिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर्ड रखिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा, और आई होप कि मेरे चैनल से जुड़े लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।